गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 9 तक पूरे कर लिए थे और 7.4 का जो कीवर्ड था उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ऑब्जर्व, बुक आप सबके पास है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं रीड करने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, ओके यार, एवरीथिंग इज राइट साइडेड पोर्शन, बुक में देखिए राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के हिसाब से इस जो साइडेड पोर्शन है उनको लिखिए कि उनके क्या क्या फ्रैक्शन बनेंगे। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेस देन, इक्वल और स्मॉलर देन, जो भी ठीक लगे। बिटवीन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बीच में, इसने ए बी सी तीन पार्ट दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेडेड पोर्शन है उसको ध्यान में रखते हुए इनके फ्रैक्शन बनाओ, और फ्रैक्शन बनाने के बाद हमने क्या करना है, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी है। और देखिए फर्स्ट पार्ट का ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसमें चार बनाए हुए हैं अभी सर्कल, तो भाई ये तो आ गया आपका एक, देखो एक हो गया इधर, और फिर ये हो गया आपका दो, ठीक है जी, दो बन गए सेम सेम साइज, कोशिश तो करेंगे सेम जैसे ही बने। और फिर ये बन गया आपके थ्री, और एक ये बन गया आपका फोर, लो जी, ठीक है। इस तरह के हमने इनके चार सर्कल, हाँ जी, लगभग चार सर्कल आपके बना दिए। अच्छा, इन चारों में डिवाइड तो वही कर रखे हैं, आठ आठ ही हैं, जहाँ तक आइडिया सारा आ रही आठ के ही कर रखे हैं। हाँ जी, एक तो फॉर्मेशन ये कर दी, सभी में इस तरह की फॉर्मेशन है, इस तरह से फॉर्मेशन कर दिया हमने, ठीक है जी। और एक अभी ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस तरह से यूँ है, इस तरह से मिलाया हुआ है। देखते जाएं, समझते जाएं, बिल्कुल आसान है, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और एक यू, एक इनके बीचों बीच ले लेंगे हम, है ना, इस तरह से ये ले लिया आप, और इस तरह से, और अब एक ले लिया आपने यू, ये बन गया। ऐसे ही इसमें जो है ना, आपने ये ले लिया और उसके बाद आपने ये ले लिया, और ऐसे ही फिर इसमें आपने क्या किया, ये ले लिया और आपने इसमें ये ले लिया, ये ले लिया। ऐसे ही इधर देख लेंगे हम, इस साइड में भी इसको आपने यूं कर दिया और ये वाला यूं हो गया। तो हमने इस तरह से ड्रा तो कर लिया। अब साइडेड पोर्शन करते हैं, इसमें पहले वाले में तीन है साइडेड, एक, हाँ जी, दो, तीन, ये दे रखे हैं जी। इसको आपने ना साइडेड कर दिया इस तरह से, पहले वाले में तीन कर दिया, हाँ जी, एलो जी, ठीक है, पहले वाले में आपने तीन को साइडेड कर दिया, इस तरह से हो गया। दूसरे वाले में तीन तो नीचे हैं, और बल्कि चार नीचे हैं, दो ऊपर हैं, ये कर दिया साइडेड, ये देखो आप, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से आपने साइडेड कर दिया, दो ऊपर और इसमें हो गए चार नीचे, ठीक है, ये कर दिया आपने, समझ गया ना, ये भी कर दिया और यहाँ पर आपने ये कर दिया है, और फिर ये भी कर दिया साइडेड पोर्शन, साइडेड कर दिया, और यहाँ से आपने ये कर दिया, ये आपने इनको साइडेड कर दिया जी, ठीक है। ये नमस्कार जी, ये साइडेड पोर्शन आपने कर दिया, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दो ऊपर और दो नीचे, यहाँ कर दिया आपने ये वाला, ठीक है, यहाँ तो आपने ये वाला कर दिया, ठीक है जी, और उसके बाद साथ साथ ये कर दिया आपने, ये भी कर दिया आपने, दोगे और एक आपने ये कर दिया, ये वाला साइडेड पोर्शन, ठीक है, और एक आपने कर दिया ये वाला साइडेड पोर्शन। जैसे जैसे बुक में करते गए हम भी करते गए, क्लियर है। अब लास्ट में आ जाओ, लास्ट में केवल एक ही है, ये है आप, ये है साइडेड पोर्शन, आप इस तरह से आपने कर दिया, चलो जी, इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये कहता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो पहले उनके फ्रैक्शंस को बनाओ, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शंस,
फ्रैक्शंस आर। फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? अब देखो इसके अंदर फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, आपको मैं ये याद देखता हूँ। चलो फ्रैक्शन में कितने हैं, द टोटल पार्ट के हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। सेडेड कितने, 3 हैं, तो इसका आ गया 3/8। इसमें कितना आ गया, 6 पार्ट है भाई सेडेड, तो 6/8। और इसमें कितने आ गया, 2 और 2 4, 4/8। और ये कितना आ गया, 1/8। लो जी, हमने इनके फ्रैक्शन कर दिए। अब इनको हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग डाल दो इन असेंडिंग ऑर्डर या इन असेंडिंग, ठीक है, थोड़ा सा गैप बनाते हुए इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में है ना सिंबल यूज करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ जाना, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। पहले 1/8 ले लो, स्मॉलेस्ट ये आ गया भाई, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, आप नोट कर रहे हैं, दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन है तो सीधी सी बात है भाई, जो ऊपर लिखा है इसका न्यूमरेटर उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 है आपका, तो सबसे जो है ना आपका छोटा यही होगा 1/8। फिर इससे बड़ा क्या आ गया, इससे आ गया 3/8। फिर इससे बड़ा क्या आ गया, 4/8। फिर सबसे बड़ा क्या आ गया, 6/8। लो जी, ये तो आपके हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। एक लाइन छोड़ के लिखो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ऑर्डर में पूछे हैं ना इसने, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर लेते हैं, उसके बाद स्मॉलर स्मॉलर, लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर। ये प्रोसीजर होता है जी हमारा। तो हम इसमें करेंगे, ये सबसे पहले तो आपने लिया 6/8, हाँ जी ये बड़ा है इससे छोटा 4/8, आई थिंक दैट यू आर गेटिंग यहाँ पर। और उसके बाद क्या आ गया, 3/8, और लास्ट में आ गया 1/8। लो जी, ये इसके जो है ना सॉल्यूशन आपके हो चुके हैं, ये मैंने आंसर जो बताया था। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। ये आपका हो चुका है, ए पार्ट इसका हो चुका है, क्लियर है जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ए पार्ट हो चुका है तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या आएगा। तो आपने इसको क्लियर कर लिया, तो मैं और अच्छा कर देता हूँ जी, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर लेते हैं इसका 2, तो 2 पार्ट इसका ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। बी पार्ट इसका, हाँ जी बी पार्ट जो है ट्राई सेल्फ, डू सेल्फ या ट्राई सेल्फ बात वही है। अब हम लेते हैं इसका सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर हम कर रहे हैं काम को, और देखिएगा सी पार्ट क्या है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ जी सी पार्ट देखिए इसका, अब सी पार्ट करने जा रहे हैं जी जी जी, सी पार्ट पार्ट नंबर सी फर्स्ट का, ठीक है जी। इसमें कहा गया है शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन, कहता है नंबर लाइन पे शो करो, शो कर देंगे जी। उसके बाद क्या कहा है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, जो इसने पेयर बना रखे हैं इनके अंदर साइन भी पुट करने हैं। तो भाई अब ये तो सारे लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में तो हम पुट आराम से इजीली कर सकते हैं। और देखिए उसको क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर सी में लेते हैं, फर्स्ट का सी पार्ट। तो फर्स्ट का सी पार्ट देखिए, आपने नंबर लाइन पे डिनोट करना है किसको, 2/6 को करना है, उसके बाद करना है 4/6 को, फिर 8/6 को, फिर 6/6 को। लो जी ये आपने करने नंबर लाइन पर, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन लिख दिया आपने, ऑन द नंबर लाइन, हाँ जी ऑन द नंबर लाइन पर करना। तो हमने क्या किया, ये नंबर लाइन हमारी हमने बना ली, एक पे ही कर देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा जी एक पर ही। देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर ले लिया हमने 0, ले सकते हैं। अच्छा लाइन कैसे बनती है, दोनों तरफ तो होना चाहिए एरो, दोनों तरफ एरो हो और 0 से स्टार्ट आप करें,
ये आप मान के चलिए, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिए, टेक केयर, स्पेशलिंग बोथ साइड बाउंडेड बाय एरो, दोनों तरफ से एरो होनी चाहिए और हैविंग जीरो। अब इसमें हमने एट तक जाना है, तो यह आ जाएगा 1/6, फिर आ जाएगा 2/6 बाई टेकिंग इक्वल गैप, गैप मस्ट सेम, फिर आ जाएगा 3/6, फिर आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 एज पर रिक्वायरमेंट, फिर आ गया 4/6, फिर 5/6, फिर 7/6, फिर 7/6, फिर आ गया 8/6। अब जरूरत हमें किस किस चीज़ की है, 2/6 है तो 2 पे आपने लगा दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर 4/6 ले लिया, फिर 6/6 ले लिया, और लास्ट में आपने कर लिया जी 8/6। लो जी, 4 के 4 पॉइंट आपने एक ही स्टेप में पुट कर दिए, कर सकते हैं, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि सबके लिए अलग अलग बनेगा, अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और एक पर भी आपने डिनोट कर दिया, क्वेश्चन पूछा तो उसके अकॉर्डिंग हमने जवाब दे दिया इसका। अब इसके बाद क्या कहता है वो क्वेश्चन, और देखिए इसके अंदर इसने कहा है कि इनमें सिंबल लगाएं आप, तो सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा हमें। देखिए 2/ इसने कहा है कि 5/ हाँ जी 5/6 ये इस तरह से है, तो 2/6 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये 3/6 और 0 वाला आ गया, फिर 1/6 और फिर इसमें आ गया 6/6 और ये आ गया 6/6 और बॉक्स में आ गया 5/6। देखिए इस तरह से मैंने ये लिख तो दिए एक साथ, पर इनको एक साथ लिखने का मेरा एक रीज़न है, आप भी नोट करें इस चीज़ को, ये लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, हालांकि ये लाइक नहीं है, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, मैं बताऊंगा इसमें कॉन्सेप्ट, पहले देखिए। तो लाइक फ्रैक्शन में हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हम न्यूमरेटर पर फोकस करते हैं, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, सीधा अप्लाई कर सकते हो सिंबल। आप देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो 5 बड़ा है 2 से, तो आपने सीधा इसमें ये लिख दिया, 0 से तो हर वैल्यू बड़ी होती है पॉजिटिव की, यह बात तो आप मान के चलिए, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया ग्रेटर, ये इसमें ग्रेटर कौन आ गया, इसमें 6 ग्रेटर है, क्लियर है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी 6 ग्रेटर है, तो मैंने आप इन सब के फिलअप कर दिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, और लाइक फ्रैक्शन नहीं है, जैसे नीचे क्वेश्चन और भी आएंगे वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो उनको सोल्व करना पड़ेगा पहले, क्लियर है भाई, इनको भी चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं, बाकी कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में हम सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सिंबल को। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा सी पार्ट भी हो गया, ठीक है, फिलहाल हम लेने जा रहे हैं जी आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या करें, ठीक है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू में आइए, हाँ बिल्कुल ईजी हैं सारे, बहुत अच्छे समझ में आपको आएंगे, नो डाउट, बिल्कुल ईजी हैं जी। सॉल्यूशन नंबर टू में आइए, क्वेश्चन का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर टू, और सॉल्यूशन नंबर टू क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ, ऑब्जर्व इन योर बुक, ठीक है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन, कहता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर करो, कर लेंगे जी, ठीक है जी, एंड पुट्स द साइन, अब देखना हमें ये, अगर वो सिंपल है मतलब वो लाइक फ्रैक्शन है तो जरूरत है नहीं सॉल्व करने की, सीधा पुट कर सकते हो, ये आप ध्यान करें, और नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा जी। जैसे टू का ए पार्ट अगर हम देखें, टू का ए पार्ट ये 3/6 बॉक्स 5/6, मुझे तो नहीं लगता कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज दिस टू आर लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सीधा आंसर लिखिए 3/6 बॉक्स बना के 5/6, अब भाई ये बड़ा है तो इधर आपने मुंह कर दिया इसका, हो गया कर, इसमें और कुछ करना ही नहीं, हाँ उसके बाद के जितने भी पार्ट हैं वो सभी आपको सॉल्व करने हैं, सी भी सॉल्व नहीं करना, सी में भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन सी में भी सीधा डायरेक्ट होगा। अब बी पार्ट देखिए इसका, 1/7 बॉक्स 1/5 ये ले लिया हमने, ठीक है जी, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए इसको,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, वन इंटू में फोर बॉक्स, वन इंटू में सेवन, सबसे बेस्ट मेथड है इसको। इसके दो मेथड है वैसे तो, पर बेस्ट यही है, इजीएस्ट सिंपलिस्ट के भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो सेवन फोर वन जब फोर आ गया, फिर बॉक्स है ये सेवन आ गया, तो इसमें छोटा कौन सा आया, छोटा ये तो छोटा है भाई, तो ये पहला वाला छोटा है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। देयर फोर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये फोर ये पार्ट छोटा आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे वन अपॉन सेवन बॉक्स वन अपॉन फोर, तो आपने इसको यूं कर दिया। देखो सेवन तो बड़ा है, बड़े की तरफ तो मुंह खुलता है बस, तो फिर ये आ गया आपका आंसर, क्लियर है। फिर सुन लो आपने इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई से, सॉल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आया। अब ये तो छोटा है, छोटे की तरफ मुंह बिछता है ना भाई, और बड़े की तरफ खुलता है, तो हमने खोल दिया, ये आपका आ गया। इसी तरह सी पार्ट है, लाइक टर्म्स का है, अपने आप सीधा सॉल्व कर लेंगे, सीधा पुट कर देंगे वैल्यू उसको सिंबल को, और डी पार्ट खुद करेंगे। डी पार्ट देखिए इसका, डी पार्ट है थ्री अपॉन फाइव बॉक्स, और ये अगर थ्री अपॉन में सेवन, ये देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्रॉस कर लो वही है, थ्री अपॉन में सेवन बॉक्स थ्री अपॉन टू में फाइव, तो कितना आ गया 21 बॉक्स 15 हो गया ना, अब ये बड़ा है आपको पता है, तो 3 अपॉन 5 आपको बता दूं इस तरह से है ग्रेटर देन 3 अपॉन 6। लो जी ये आपका आंसर आ चुका, सो आई होप दैट दिस टाइम यू हैव गॉट वेरी वेल, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि लाइक टर्म्स हैं तो हम सीधा भी यूज कर सकते हैं, और अनलाइक हैं तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे। ओके।